बताएं सर, क्या मामला आपका? नमस्कार। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश न्यायालय और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से ये आग्रह है कि हमें एनसीटी ने 2018 में एलिजिबल किए हुए हैं, तो इसके लिए ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी रणनीति है जिससे हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें बच्चों की शिक्षा को जो है सुधार होगा और उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है हमारा सहयोग करें, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जो है इसमें एलिजिबल किए हुए हैं। धन्यवाद। जब हमें एनसीटी ने 2018 में जो मतलब इसमें बीएड के लिए, जेबीटी के लिए एलिजिबल किए हुए हैं, तो इसमें हमारा ये आग्रह है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक स्तर जो है वो एक फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज है, तो शिक्षा का अधिकार आधार है, उसमें चाहते हैं हम कि जो हमारी प्राइमरी में जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए बीएड को एलिजिबल किया जाए। धन्यवाद। मेरा शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश से निवेदन रहेगा कि जैसे एनसीटी 2018 के नियम के मुताबिक बीएड को जो है प्राइमरी अध्यापक पढ़ने के योग्य समझा गया है, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल में ही एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें हमारे बीएड साथियों को टेट के लिए जो है बैठने की अनुमति मिल गई थी, परंतु किसी कारणवश जो है जेबीटी वर्ग जो है उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल करता है, वहाँ पर जो है बीएड को स्टे दे दिया जाता है। तो जो कि हम तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय का स्वागत करते हैं, इसमें कोई हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर फिर भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से निवेदन रहेगा कि जैसे आपने बीएड साथियों को एलिजिबल किया है उसकी पैरवी करें आप, और भविष्य में जो है जो अगर बीएड साथी प्राइमरी अध्यापक बनते हैं तो हिमाचल में जो है प्राथमिक शिक्षा का विकास होगा। धन्यवाद। जो इन्होंने हंगामा किया है तो ये तो माननीय उच्च न्यायालय के जो जो 26/11/2021 को जो निर्णय आया था ये उसके विपरीत चले हुए हैं। जो 26/11/2021 का जो निर्णय है उसमें एक निर्णय आया था कि राज्य सरकार ने चाहे जो आरएनपी रूल है जीबीटी के उसको चाहे बदला है चाहे नहीं बदला है, पर फिर भी एनसीटी 2018 का जो नियम है उसके लिए सरकार बाध्य है, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय भी है। तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग इस निर्णय को स्वीकार करे। धन्यवाद। सर आपने बात की है जीबीटी लोगों का विजर टेस्ट दे रहे हैं लेकिन सर बार बार उच्च न्यायालय उनको कैंसिल करा दे, क्या मांग मांगते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो जो भविष्य में जो एक नई सरकार का गठन होना है तो मेरी जो नई सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि जल्द ही जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़ी है वो सारी भर्तियां जो है एकमुश्त उनका निपटारा किया जाए और हमारे जो जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार दिया जाए। शर्मा सर, मैं पोस्ट कोड 721 की भी स्टूडेंट हूँ, और सर हम लोगों को सब जब 2018 में वैकेंसी इन्होंने निकाली थी उस टाइम इन्होंने हमें एलिजिबल किया था इसके लिए जेबीटी के लिए, तो सर हम लोगों ने एग्जाम दिया, उसके बाद सर जो भी रहा इनका प्रोसेस उसमें सर 4 साल तो हमारे उसमें गए सर, फिर हमारी डी भी हुई, लेकिन सर जब हमें एक तो उस टाइम जेबीटी टैट के लिए इन्होंने एलिजिबल नहीं किया था तो हम लोग कैसे देते जेबीटी टैट, तो सर अब उसके बाद हम लोगों पे ये लगा दिया कि आप लोगों ने जेबीटी टैट नहीं दिया इस कारण हमें बाहर निकाला गया। उसके बाद सर अभी जेबीटी टैट के लिए एलिजिबल किया, हम लोगों ने फॉर्म भरे, उसके बाद फिर से हमें अब बोल रहे हैं कि आप लोग जेबीटी टैट नहीं दे सकते, तो सर हम लोगों का तो फ्यूचर खराब कर रहे हैं ना ये लोग। सर माना कि सर अगर एनसीटी की नोटिफिकेशन है उसमें हम लोग एलिजिबल हैं तो सर हमें इसमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है, और पहले तो हमें जो 721 है उससे क्यों बाहर निकाला गया, हम लोगों ने भी कमीशन दिया, हम लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल किया, हम लोग सर अभी हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, और तो सर बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी फुल कर दी। सर हमारी तो गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हम 721 को भी पहले न्याय दिया जाए, हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दे के सर हमें टाइम दिया जाए कि हम लोग जेबीटी टैट क्लियर करें,
अगर यही है तो सर हमें टाइम दिया जाए, वन टाइम रिलैक्सेशन के साथ हमें एलिजिबल किया जाए इस पोस्ट के लिए। और सर हमें जो अभी प्रेजेंट जो जेबीटी टैट है उसके लिए जब हमारी एलिजिबिलिटी है तो हमें उसमें बैठने की परमिशन दी जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी जो आने वाली गवर्नमेंट उससे भी यही रिक्वेस्ट है, हमारे कोर्ट से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमें अलाउ किया जाए। वैकेंसीज जो है हमारे, जब भी सर कोई भी टेस्ट निकलता है आप खुद ही देख लीजिए, सभी के सभी कोर्ट में फंसे हुए हैं। तो चाहे आप JOIT ले लीजिए, चाहे हमारा JBT बीएड ले लीजिए, और भी सर शास्त्री ले लीजिए सर, वो भी अभी कितने सालों बाद वो भी सॉल्व हुआ है केस। और भी सर जो भी आता है सर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में 4 साल लग जाते हैं। तो सर फिर पीछे से तो अभी सर हमारे JBT और बीएड का ये जो केस है इससे कितने जो प्राइमरी के बच्चे हैं कितनों का फ्यूचर खराब हो रहा है सर। अगर सर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे आगे कैसे उनकी स्टडी प्रॉपर हो पाएगी। जी सर, आज बेरोजगारी यूनियन की यहाँ पे बैठक है, तो क्या एजेंडा इस बैठक का आज रहने वाला है? आज सर मैं पहले सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं राजेश गौतम, हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन का मैं प्रधान हूँ। तो आज हम सभी जिलों से जो पदाधिकारी हैं तो वो उपस्थित हुए हैं सभी जिलों से। तो आज हमारा एजेंडा मुख्यतः एक सामान्य बैठक ही है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसका हम चाहते हैं कि मिलजुल कर हल निकालें। वैसे तो सर इसमें हम एलिजिबल बना दिए थे इसमें टैट के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, तो अभी ये कुछ हमारे माननीय हाईकोर्ट से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है जिससे हमें भी अभी हाईकोर्ट में ही अपना बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट में है तो अभी हाई कोर्ट में ही हमारी बात जो है क्लियर होगी कि अगला क्या हमारा हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि डीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल तो है ही, ये तो NCT की गाइडलाइन के हिसाब से हुए हैं, और मैक्सिमम प्रदेशों में तो ये कोर्स ही बंद है। हमारा तो ये सोचना था कि जैसे ही NCT की जो गाइडलाइन आई थी 2018 के बाद, तो ये इंस्टीट्यूट सरकार को वैसे बंद ही कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ये चले हुए हैं। बाकी जैसे हरियाणा का हम न्यूज़ देख रहे थे तो वहाँ तो ये बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, और मैक्सिमम UP में और जगह भी उत्तराखंड में भी इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे हैं। तो ये तो गलतियाँ तो हुई हैं, तो अभी इनकी JBT वालों की भी गलती नहीं है, वो भी ठीक ही हैं, अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एलिजिबल किया हुआ था तो उन्होंने बोला था कि बिना बीएड के भर्ती नहीं हो सकती है, तो बिना बीएड के भर्ती नहीं हो सकती है तो टैट भी इन्होंने मांगा था तो टैट के लिए। तो हम अभी हमारी ये स्ट्रेटजी है सभी लोगों का मिलना, आज इसी वजह से हुआ है कि हम नेक्स्ट जो अपना बात है तो हम दी हाई कोर्ट के दरवाजे तो बीएड वालों के लिए भी खुले हैं, तो ये लड़ाई हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, और अपनी बात हाई कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से हम 10 तारीख को जो टैट है उसके लिए एलिजिबल बनेंगे, जो क्योंकि सभी लोगों ने मैक्सिमम हजारों की संख्या में बीएड वालों ने ये टैट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और इस बार मेरे ख्याल में अगर क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग बीएड वाले हैं तो मैक्सिमम 70-80 हज़ार के करीब लोगों ने अप्लाई किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी लोगों को पता भी नहीं लगा था ना जी इस स्थिति का कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी। मेरा एक निवेदन और भी रहेगा, मैं आप सभी मीडिया के थ्रू ये अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हमारे 72 इंस्टीट्यूट हैं, बीएड कॉलेज हैं, तो वो विद्यार्थी या वो लोग अब इनको अगर सड़कों की बात है, सड़कों पर आना है, सड़कों के ऊपर ही इंसाफ होता है, कोई सरकार या कानून व्यवस्था कोर्ट इसके नहीं बात मानी जाती है, तो वो लोग भी आए और हम उनसे संपर्क करेंगे जो 72 इंस्टीट्यूट हैं, उनसे हमने बात भी की है, सभी इंस्टीट्यूट से बात चल रही है, तो हम उनसे भी बोलेंगे अगर हमारी बात चलो पर अब ये कानूनी लड़ाई है, सरकार भी नहीं है, तो हम जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी बात होगी, बीएड के जो लोग हैं वो जागृत हों थोड़ा सा, क्योंकि ये जो NCT की जो गाइडलाइन है वो बीएड के पक्ष में है, और NCT कोई छोटी संस्था नहीं है, उसने ही निर्धारित करने होते हैं कानून कि टीचर की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए लड़ाई है ये, और इसके लिए मेरा ज़्यादातर निवेदन अपने जो बीएड अभ्यर्थी जो इतनी मतलब
अभी जो इनके इंस्टीट्यूट में जो जिन्होंने इतना पैसा खर्च कर रखा, तो वो अगर सड़कों पर उतरने की बात है तो सड़कों के ऊपर भी वो आ सकते हैं।